नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ चांदनी धवन। कहते हैं ना कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, जब बराबरी की जाती है तो सच में वैसी ही बराबरी होनी चाहिए। ऐसा ही एक संदेश दिया है एक पिता ने, आज वो मेरे साथ हैं और उनसे ही बात करते हैं। उनकी बेटी साक्षी भी मेरे साथ है, उनसे ही बात करते हैं और ये खुद बताएंगे कैसे एक पिता ने समाज में संदेश दिया है, कैसे सोच को बदला है। अगर आप सोच को बदल सकते हैं अपनी, तो बहुत सारी चीजें जो है वो बदल सकती हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रांची से साक्षी जुड़ गई है, साथ उनके पिता प्रेम गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम गुप्ता जी, साक्षी, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे नेटवर्क इशू है, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। प्रेम गुप्ता जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि आपने जो संदेश दिया है समाज को, कहते हैं ना जो कहावत कही गई है कि बेटे की जो डोली है वो मायके से उठती है और बेटे की अर्थी ससुराल से उठती है, आपने सोच को ही बदल दिया, क्या कहेंगे आप? हमें यही संदेश देना चाहते हैं, बेटी को बोझ ना समझे। बेटी को जिस तरह से अगर आदमी शादी लोग करता है धूमधाम से, अगर वो नहीं रह पाती है, चाहे वो नहीं रख पाता है अगला, तो बेटी को अपने घर में इज्जत से रखना चाहिए और उसको इज्जत से ले आना चाहिए। बेटी एक लक्ष्मी है। शादी कब की थी अपनी बेटी की? शादी कब की थी अपनी बेटी की? बेटी की, और वो पूरा जर्नी क्या रहा है जरा वो भी बताइएगा। बेटी एक घर का लक्ष्मी होता है, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। जी, शादी कब हुई थी प्रेम जी? 28 अप्रैल 2022 को। अच्छा, तब से और अब तक में क्या क्या चीजें हुई हैं बेटी के साथ, जरा वो भी आप बताइए, जैसे आपने समाज में संदेश दिया है प्रेम गुप्ता जी। वो बोल रही है ना कि आपका आवाज नहीं आ रहा है, वो बोल रही है कि शादी के बाद ऐसा क्या हुआ, मतलब प्रोसेस पूछ रही है कि ऐसा क्या हुआ था। शादी के बाद वो रखना नहीं चाहता था, लड़का कहीं और पहले से शादी किए हुए था, वो रखना नहीं चाहता था। तो फिर हम लोग कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के माध्यम से गए, कोर्ट के द्वारा केस उस किए हम लोग। अभी हम लोग का मामला कोर्ट में चल रहा है और मैचुअल डाइवोर्स हम लोग फाइल करेंगे साथ में, उसके बाद हम लोग का फरवरी में डाइवोर्स हो जाएगा। प्रेम गुप्ता जी, जैसे आपने अपनी बेटी की शादी की थी, बहुत ही आदर सम्मान के साथ आप बेटी को विदा किए थे ससुराल के लिए, और ठीक आपने बिल्कुल वैसे ही ढोल नगाड़ों की थाप पे बेटी को ससुराल से वापस आए, यानी आपने सोच को किस तरीके से बदला है। और समाज को अगर सोच को बदल दिया जाए, अगर आपकी सोच को बदल दी, तो बहुत सारी चीजें थोड़ा बदल सकती है। क्यों प्रेम गुप्ता जी? वो बोल रही है कि जैसे शादी हम लोग धूमधाम से किए थे ना, और ये चीज जो हम लोग आप किए, वो मतलब कैसे आप शादी में जो आप किए थे इतना धूमधड़ाका से, वो सब चीजें बोल रही है। शादी हम अपने बच्ची को बहुत धूमधाम से। तो देखिए, लगातार समाज में संदेश देने के लिए प्रेम गुप्ता जी हैं। जी जी, वो भी प्रेम गुप्ता जी समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि बच्चियां को किसी भी तरह का अगर तकलीफ होता है ससुराल में, तो उसको वहाँ, ये नहीं, पहले लोग शादी करके छोड़ देता था कि नहीं तुमको वहीं पर रहना है, जीना या मरना तुमको वहीं रहना है। अगर आदमी वहाँ नहीं रख पाता है, नहीं रह पाता है, तो उसके एवज में ये कदम बहुत जरूरी है कि आदमी सुसाइड ना करे किसी के अगला घर में, बच्चियाँ खुदकुशी ना करे। आपके मन में कब ये ख्याल आया, आपके मन में कब ये बातें आई कि बेटी को बिल्कुल वैसे ही ले आना है ससुराल से जैसे मैंने उसकी विदाई की? ये बोल रही है कि कब आपके मन में ये ख्याल आया था और कैसे आपका ये आइडिया आया था ऐसे लेके आने का? आइडिया की कोई बात नहीं, मन में एक इच्छा हुआ कि नहीं, बेटी बोली कि पापा आप नहीं रहना है हमको, इसके साथ मेरा जिंदगी नहीं चलना है, तो मन में हुआ कि नहीं, जितने धूमधाम से हम शादी किए उतने ही धूमधाम से बच्ची को वापस अपना घर लिया है। बिल्कुल, साक्षी भी हमारे साथ बनी हुई है। साक्षी, जरा आप भी बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए, आप अपनी जर्नी के बारे में जरा बताइए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है समाज को। आपकी आवाज यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है, सुनने में भी बहुत भीड़ भाड़ हो रहा है, सुनने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जी साक्षी, मैंने ये पूछा है आपसे
आप अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि आपने भी समाज को एक मैसेज दिया है। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी और मतलब हर एक लड़की का एक सपना होता है कि उसकी शादी ऐसी हो, बहुत धूमधाम से हो, बहुत अच्छे से हो। मेरी शादी नो डाउट बहुत अच्छे से हुई थी, एक प्रिंसेस की तरह मेरी शादी हुई थी। जो लोग मेरी शादी में आए हैं वो लोग को बहुत अच्छे से पता है। और शादी के बाद ऐसा चीज़ें होने लगा कि मेरे जो हस्बैंड थे उसको मेरे साथ रहना नहीं था। बहुत कोशिश, फैमिली ने भी बहुत कोशिश किया, मैंने भी बहुत ट्राई किया और मुझे उसके साथ रहना था। बहुत टाइम कोशिश करने के बाद कोर्ट में केस गया, खाने पर मैंने फिर केस वेस किया। केस वेस होने के बाद लाइक बहुत कोशिश किया साथ रहने का, मैं साथ रहने के लिए भी गई थी। फिर अचानक से चीज़ें ऐसी हुई कि कुछ चीज़ें छुपाई गई थी मुझसे शादी से पहले, फिर मुझे बाद में ये सब कुछ पता चला। तो फिर देन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती, और उनकी फैमिली मुझे समझते नहीं थे। साक्षी, कब से आपको ये सारी चीजें फील होने लगी थी कि शादी के कुछ दिन के बाद से पति का टॉर्चर, ससुराल वालों का टॉर्चर, और कब आपने डिसाइड किया कि अब आपको परिवार के साथ नहीं रहना है? मैं मेरी शादी हुई थी 28 अप्रैल 2022 को, और ये मैंने डिसाइड अभी 4 महीने पहले, जब मैं 6 महीने पहले जब मैं 28 अप्रैल 2023 को अपने ससुराल वापस गई थी, उसके 2 महीने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे उनके साथ नहीं रहना। साक्षी, क्योंकि आप ये भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, कहते हैं ना जब लड़की ससुराल पहुंच जाती है तो मायके से कहा जाता है कि बेटी अब सब कुछ तुम्हारा वही है ना, आप जैसे भी है जो भी है तुमको वही पे एडजस्ट करना, वही पर रहना है। इस भाव को आपने बदल दिया, इस सोच को आपने बदल दिया? एडजस्ट, लड़कियां वैसे भी बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है एडजस्ट करना, एडजस्ट मैंने बहुत किया है। मेरी अभी तक मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मेरे ससुराल की कोई मेमोरीज है, लाइक कुछ भी मेरे को कुछ भी याद नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कुछ अच्छा है ही नहीं, कभी अच्छा था ही नहीं। अभी जो है मेरी फैमिली के साथ की, मैं पास्ट में जैसी थी मैं प्रेजेंट अपना लाइफ वैसे करना चाहती हूँ। सेकेंड कि अगर लड़कियों के साथ ये चीज़ होता है तो उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ये नहीं कि भाई माए बाप शादी कर दिया। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मेरे भी बहुत सारे रिलेशन में या फैमिली में और भी लोग हैं, कभी ऐसा कुछ होता है तो लोग बोलते हैं जो है अब वहीं रहो, मरो जियो जो भी। लेकिन मेरे फादर एक्चुअली कैंसर पेशेंट थे, मेरे शादी के 3 महीने बाद उनको कैंसर हो गया था। तो मेरे फादर को मैं कुछ बताती नहीं थी, तो मैंने भी बहुत चीज़ें छुपा के रखी थी। शादी के 8 महीने बाद जब मुझे छोड़ दिया गया था, मैं मायके में रहती थी, उस दौरान मैंने सारी चीज़ें अपनी फैमिली को बताई थी। फिर भी मैं उनके साथ रहना चाहती थी, बट उनको मेरे साथ नहीं रहना था। जो भी था, जो चीज़ें वो कर रहे थे, खैर मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये भी बताना, क्योंकि जब आपको वापस ले आया गया ससुराल से, आपको जब मायके ले आया गया, तो आसपास के लोग की चार बातें होती है, कहते हैं समाज में चार लोग होते हैं, चार बातें करते हैं, क्या आपके पिताजी को कुछ बातें सुनने को मिली क्या कि बेटी को वापस ले आया ससुराल से, तो पापा ने आपको क्या कहा? बहुत लोग ऐसे थे कि बेटी को ऐसे लाया और मतलब शादी कर दिया, डिवोर्स हो गया, डिवोर्सी का अटैक, मतलब ये मेरे मन में डर था एक्चुअली। जब भी डिवोर्स का बात आता था कोर्ट में या जब भी, तो मैं हमेशा डरती थी इन सब चीज़ों से कि डिवोर्स का अटैक लेके घूमना बहुत बोझ सा लगता है। और मैं अक्सर अपने फादर और अपनी माँ से कहती थी कि नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं लेना है और मैं रहना चाहती हूँ, मैं रहना चाहती हूँ। बहुत कोशिशों के बाद भी ये नहीं हो पाया। और पापा बोलते थे कि बेटा तुम हम लोग के लिए जैसी थी कल अभी भी वैसी हो, बस सोचना कि 1 साल जो कुछ भी हुआ वो बस एक बुरा सपना था, तो वो पापा बोलते थे। बट जब जिस दिन वो मुझे लेने आए थे, वो उस दिन सारा बोझ जितना कुछ भी था वो मेरे ससुराल में छूट गया और मुझे बिल्कुल भी अब फील नहीं हो रहा है कि मैं डिवोर्सी हूँ या मेरा पास्ट कुछ था।
या मुझे तकलीफ है या मुझसे कोई बुरा सवाल या कोई मुझसे बुरा पास पूछ रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मेरे फादर मुझे ऐसा रिस्पेक्ट देकर घर लेकर के आए हैं। और मेरे जितने भी झारखंड के लोग हैं या जितने लोग भी हैं जो मेरे पापा को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं दिल से बोलूँगी कि आपके साथ भी कभी आस पास ऐसा कुछ हो तो आप सपोर्ट करें, क्योंकि लड़कियाँ इन सब चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में चली जाती है और काफ़ी सारे केस ऐसे होते हैं जो सुसाइड कर लेती है लड़कियाँ। बिल्कुल, और साक्षी ये भी देखा जाता है कि समाज में ऐसे लोगों को जीने नहीं दिया जाता, यानी ताने दिए जाते हैं, कई ऐसी बातें जो बोली जाती हैं जो कि बर्दाश्त नहीं की जाती है। आप बताना, क्या आपके साथ इतने दिनों में कोई ऐसी बातें किसी ने बोली हो, किसी ने कही हो, जो आपके मन को बहुत होती हो? इन डेढ़ सालों में शादी के 4 महीने के बाद काफी बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मैं कहीं जाती थी तो लोग बोलते थे मायके में है, और लोग बोलते थे अरे छूट जाएगा, टूट जाएगा रिश्ता, ऐसा हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा। काफ़ी चीज़ों में मुझे कटाकट फील होता था और बुरा फील होता था। अभी जिस तरह से मुझे फैमिली या मेरे रिलेटिव्स या मेरे मोहल्ले वाले ये जितने लोग भी हैं वो मुझे दिल से अपनाए हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन में जो वो बोझ था ना डाइवोर्सी वाला, वो एकदम हट गया है। और लड़कियों को ना ऐसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज वो ट्रेंड चला गया कि लड़कियों का शादी कर दिया, जब लड़का लड़की बराबर है। तो अगर लड़का का रिश्ता टूटता है तो वो अपने माँ बाप के पास रहता है, लड़कियों का रिश्ता टूटता है तो लड़की बोल देते हैं अरे यार तुम वहीं पे रहो, एडजस्ट करो, और घींच फिर के 10 साल 5 साल, फिर क्या होता है, एट द टाइम लड़की मर जाती है। हेलो, बिल्कुल, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, आप बस एक बात और बताना, आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हो साक्षी? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, एक्चुअली ये मेरे पापा ने दिया है लोगों को, कि अगर कभी बेटी के साथ ऐसा हो रहा हो या किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो रहा हो तो आप उसे सपोर्ट करें, प्यार करें, और वही मान सम्मान इज्जत के साथ आप उसे अपना घर लेकर के आए। गलती चाहे किसी की भी हो, बट आप उस चीज़ों को समझने की कोशिश करें, वहाँ पे उसे ना छोड़े जहाँ पे लोग उसे प्यार नहीं करते, उसे समझा नहीं जाता है। अगर लड़की को समझा ही नहीं जा रहा है तो उसे कोई प्यार कैसे करेगा, और एट द टाइम लड़की मर जाती है। तो मैं सारे पेरेंट्स से ये कहूँगी कि जो मेरे फादर ने, जो मेरे फैमिली ने, जो मेरी दादी और मेरी मम्मी ने किया है, वो आप लोग भी कर सकते हैं, और आपकी बेटी मरेगी नहीं, बच जाएगी, और आपके घर हंसी खुशी से रहेगी। देवी माँ का स्वरूप होती है लड़की। बहुत शुक्रिया साक्षी बातचीत करने के लिए, और आपका ये मैसेज हर किसी को सुनना चाहिए। वाकई समाज में सोच बदलने की बहुत जरूरत है, बेटियां वाकई कभी बोझ नहीं होती। बहुत शुक्रिया साक्षी बातचीत करने के लिए न्यूज़ एटीन। तो सुना आपने यहाँ पर, बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती है। जब लड़कों से लड़कियों की बराबरी की जाती है और कहा जाता है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, तो हर चीजों में देखना चाहिए, और यही मैसेज दिया है प्रेम गुप्ता जी ने और उनकी बेटी साक्षी ने। तो ये समाज में सोच बदलने की जरूरत है, जो पहले की सोच थी अब पूरी तरीके से बदल चुकी।